इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ जो घंटी का निशान है इसको दबा दो, ठीक है? और सारा बवा यहीं सुनते रहो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज का टॉपिक आया है मनोहर की तरफ से। वो बोलते हैं कि बउआ को अगर लोगों को घरों से चूहे खत्म करने हो, चूहे निकालने हो, तो वो क्या करेगा या किसी को क्या राय दे सकता है। तो इसी टॉपिक को लेकर बउआ ने कॉल की और क्या मजली है, आइए सुनते हैं। हेलो अजय हेलो। हेलो, अरे भाई खुल के बोलो। खुल के क्या, पैंट शर्ट निकाल दूं ऐसे बोलूं? अरे गला खुल के बोलो ना, पैंट शर्ट क्यों निकालोगे? अजय बउआ बोल रहा हूँ जी। नमस्ते अंकल जी, बताइए। एक बड़ी विकट समस्या है। हाँ तो बताओगे समस्या, विकट समस्या क्या है? अजय अजय सॉरी। अरे भाई हंस ले, आप बोल ले। एक आदमी आया था, वो कह रहा था पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तो खाना खा ले भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अजय नहीं, मैं चाहता हूँ ये जो लोगों के पेट में चूहे दौड़ते हैं उनको मैं पकड़ ले लूं। अरे भाई तू पागल हो गया क्या, पेट में चूहे कैसे पकड़ेगा? पकड़ सकता हूँ, एक तरीका है मेरे पास। अरे कौन सा भाई बता तो दे। अच्छा देख, आपके पास ढाई है? अरे ढाई भाई कुछ ना बता के। ढाई नहीं भाई, तीन वाला ढाई नहीं, जो ढाई होता है काला काला। हाँ ढाई, हाँ ढाई है। अरे ढाई नहीं, सड़ वाला ढाई ढाई। अरे भाई पहले सोच ले, ढाई है कि पौने तीन वाला ढाई है? ढाई। एक मिनट, साफ आवाज में बोलता हूँ। ए रौनक, राई। हाँ है, राई है। अजीवा, तो वो ढाई अगर आप मुझे दोगे तो मैं चूहा पकड़ सकता हूँ। कैसे भाई? अब मैं देख तेरे को तरीका बता रहा हूँ। लिखना चाहेगा तो लिख ले। अरे भाई बोलेगा, लिखना चाहेगा लिख ले। अच्छा देख, पहले एक ढाई ले। ठीक है भाई, ले ली। कहाँ ली? अरे भाई तू ठीक से बात करेगा तेरी मार लूं। सॉरी नहीं, ढाई ले। और उस ढाई का? हाँ ढाई का क्या, तेरी डालनी है? नहीं वहाँ नहीं डालनी। ढाई का पहाड़ बनाए, फिर पहाड़ को, फिर पहाड़ पे तेरे बैठाना है? नहीं, फिर उस पहाड़ को खोदे, क्योंकि खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। अरे और उस को पकड़ ले, अब चूहा पकड़ में आया है। हेलो, चूहा पकड़ में? अजय सॉरी, बस मुझे आप ढाई दे दीजिए, मैं पहाड़ बना। नहीं आप ढाई दे दीजिए, पहाड़ बना के चूहा पकड़ूंगा। जल्दी अजय, नहीं वहाँ ढाई डालेंगे तो पहाड़ तो बड़ी। हेलो, आप स्टेशन आ रहे? आप अभी नहीं उतर सकते? अरे जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे क्या? जल्दी। हाँ जी। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? मेट्रो में हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बताओ बेटा। इसको मेट्रो से उतरना है क्या भैया? मेरा स्टेशन आ गया। क्यों स्टेशन? मैं करने ही मेरा भाई साहब क्या कह रहे हो? स्टेशन आ गया तो उतरेगा नहीं यार। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, पहले ही आप नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? पहले लेडीज को उतरना है। उतरगी यार, कोई है ही नहीं वहाँ पे, बात कर रहा है। हेलो, टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आखिरी स्टेशन है, सारे लोग उतर जाएं। बताइए ये भी। ये देखा, सुना आपने? कह दी उतर जाए तो? कह दी उतर जाए पर कौन कह रही है? लड़की क्या? अनाउंसमेंट। हेलो, तो पहले लड़कियां और लेडीज उतरेंगी, उसके बाद मर्द। यार आपको उतरना है ना? हाँ। नहीं धक्का नहीं दे। ग्यारह लाख वाले फोन रखने। फोन ही नहीं, फोन ही रखा जा। हेलो, हाँ बोल। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण ये आखिरी स्टेशन है, उतर जाएं। देखो ये लेडीज उतरेगी, उसके बाद सब उतरेंगे। ये कहाँ उतरेगी? ये स्पीकर से निकलेगी। एक मिनट, वो रिकॉर्डेड आवाज है भाई। रिकॉर्डेड आवाज है बोल दे, रिकॉर्डेड आवाज है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। हेलो पागल, रिकॉर्डेड है तो लेडीज की आवाज। अबे हाँ हाँ, तो पहले लेडीज जाएगी फिर जाएंगे कोई। मैं मुंह पर कुन्नी मार के निकल जाऊंगा। अगर आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आप लोगों को मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। किस पे से? अबे इसके पे से सब एक एक कर। अरे नहीं, कोई नहीं जाएगा। यात्रीगण, यात्रीगण। अरे ऐसा क्या? अजय हंसी मत, औरत गुस्सा हुई है ना। यात्रीगण। हाँ बहन, तुम्हारी कमी थी, तुम कहो सामने आओ वरना मर जाएगा ये। मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, यात्रीगण उतर जाए। अबे मैं मेट्रो में हूँ ही नहीं। तो फिर बात किससे कर रहे हो फालतू में? फोन रखो साले। अजय गंजा भैया, यात्रीगण। अरे आवाज बदल के फोन कर रहा है। आवाज नहीं बदल है यात्रीगण, आवाज नहीं बदल रहे हूँ यात्रीगण। हेलो, लेडीज फर्स्ट और क्या? आज सॉरी। हेलो, गलत नंबर भैया। गलत नहीं है, मैं बड़े बड़े शर्ट में था इसलिए आपको लगाना पड़ा। अरे भैया गलत नंबर, हम नहीं जानते आपको भाई। धीरे बोली भैया। मनीष रहने दो। मनीष नहीं है, यो झाड़ियों के पीछे भैया। अब झाड़ियों के पीछे आहिस्ता बोल रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? कट नहीं रहा हूँ, कट चुका हूँ, बस खो खो खेलने की अवस्था में बैठा हूँ। खो खो खेलने की अवस्था क्या कर रहे हो? तो नहीं कर रहे।
आपके पूरे पानी खट 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 बह गया। तो हम आए क्या ट्यूबवेल लेके? ट्यूबवेल इतना पानी थोड़ी है, बूढ़ा गाँव थोड़ी कर दी। बड़ी बात सुनिए, पानी मैंने अपने छोटे भाई से मंगा लिया, पहले ठीक है बोलिए, कोई छाती के पीछे आ न जाए। वहाँ पे जब सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं? नहीं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ बताइए ना जिससे कोई यहाँ आए ना। और दिन देखिए आप लोग घूमते रहते। ऐसा है कि एक काम करो, हाँ जी, कभी कभी ऐसे बाथरूम होते हैं जिसमें दरवाजा नहीं होता, हाँ जी, पर्दा डला होता, पर्दा होता है, तो उसमें क्या करता आदमी गाने का आगे तुम गाना गाना स्टार्ट करो। गाने का एक सेकंड तो दुखी बजे दिनों के बाद मुझको आई है, आई मुझको आई है, एक सेकंड झाड़ी के पीछे झाड़ी के ओ यादे कंकी जाकर गाने सुन के साले पीछे जब अक्षय कुमार को फोन लगाता हूँ पानी दे देते हैं। आज अक्षय कुमार को लेकर पानी क्यों देगा वे? छूटेगा कहिए सुनो, अपने को क्या अपने को सिर्फ पानी निकालना। बहुत बढ़िया, तुम्हारे चक्कर साले मेरे को क्या नहीं, मेरे को ऐसा तो भैया गंजा भैया। हेलो हेलो, यानी आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थोड़ा बात कर रहा है। तो बात एक्चुअली क्या हुआ ना, ये ट्रैफिक वाले सिग्नल वाले अंकल बोल रहे मुझे क्या काटेंगे, चालान काट रहा, कुछ गलती करी होगी जीवी तो चालान कट रहा। नहीं मैंने लकड़ी से टायर मार मार के खेलते ना सड़क पर, वैसे खेल रहा था। अच्छा, वो सिग्नल से पार चला गया, बोलते तुम्हारे पहिया ऐसे थोड़ी होता है, तो सिग्नल पे स्टेशन करवाने गया तू है, जब मैं खेल सकता रोड पर सिग्नल है। ए पापा जैसे मत जाते गज में खेल लो, गज में टायर घुमाऊंगा, तीनों छोटा घर है अंगड़ाई लेता हूँ, हाथ दूसरे के बेडरूम में जाता है। अच्छा है, और अगर इसको पैसे लेने हैं तो पैसे ले काटेगा क्यों, तू खून निकलेगा तेरे तो होगा मुझे, तू पैसा ले रफा चपा कर। अरे वो पर्ची कटेगी तो पैसे वैसे भरे जाएंगे, आप पैर न काट रहे। अच्छा ऐसे नहीं काट गए, मैंने सिग्नल तोड़ा आप बोल के तोड़ा, 3 फुट का आदमी हूँ, वो सिग्नल देखो 10 फुट पर लगा है, और तब के लिए एक सिग्नल तोड़ा पागल है, तो इसमें हाथ पहुँचेगा जो मैं तोड़ू। हाथ से ना पहले पैर निकाल दिया से। एक सेकंड रुकिए, कितना रुपया हुआ बताइए? 500 का चलान, 500 भैया 1500 रखो, ये लो 1500, 500 जो बोले हैं। एक मिनट डेढ़ जी तोड़ा है ना मैंने, ग्रीन और येलो भी उतार, तीनों साथ में तोड़ूंगा मैं, तोड़ देगा पुलिस। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या सुन, इससे पहले पैसे ले ले, तीनों सिग्नल उतार के में डाल जी। बउआ भैया अंकल, कौन बउआ? देखो जले पे नमक छिड़कते हैं लोग। अरे छिड़कते हैं तो छिड़कने दे भाई, तू पर इस पर एक बड़ा सवाल है। क्या? इंसान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है खाने में? दाल रोटी। दाल रोटी हाँ, दाल में क्या क्या पड़ता है? दाल में पड़ता है हल्दी नमक। अच्छा, और दाल नहीं पड़ती है? बड़ा बकलोल आदमी है। अरे चल रख, आगे शादी। हेलो अजय यार, दाल पकड़ी थी आपने काट दिया, दाल रोटी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना से नमक पड़ता है, फिर भी लोग जले पर नमक छिड़कते हैं ना कि दाल रोटी, ऐसा क्यों करते हैं, और जलता क्या है लोगों का? तू मेरी जला रहा है, तेरी गन्ने पे जिनका जल रहा है। एक बात बता, अगर छिड़कने तो टूथपेस्ट लगाओ, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में नमक होता है। पहले मैं बोल रहा हूँ ना, सही से बात कर, सही गुस्सा कर देगा, इतना बड़ा होगा गुस्सा कर देगा मुझे, मारू समझ में नहीं आ रहा क्या? आज जले पे नो नमक। अरे नमक भर दूंगा मैं, देख कितना खुश हो रहा है, तुम्हारे पे हंसे डाऊ, तुम्हारे पे मेरे पे, हाँ तेरे पे, हमने आ तेरी वहीं पे बता रहा हूँ, देख तेरे को जलन हो रही है, उस पर नमक छिड़को अभी, बोल बोल। अरे नमक फैक्ट्री में काम करता है क्या? नमक 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 या नमक, सॉरी सॉरी, इतना नमक मैंने दिया, मेरे नमक कहाँ कदा कदो। अरे फोन बता रहा हूँ, सॉरी। हेलो भाई, कौन बउआ? क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ लाइन साफी दिखाई देगी। काम बोल, काम बोल, अब देखो लाइन साफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी। घड़ी? क्या आपने इसे इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया? अबे ओ, नहीं
नहीं भाई, टाइम नहीं खाली घड़ी ठीक है पागल बउआ बोलिए अच्छा ये सब छोड़िए, अगर ये सुई है मैं मान गई हूँ। हाँ तुम मान में क्या लेगा, है सुई अच्छा रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बचती क्यों, उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल हो तलवार से, मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नहीं शफल किया रोड आपने। अब बताइए गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी दो आंखें दो कान। हाँ होते हैं भाई। ना इंसाफी अब देखिए, आप आपके भी दो आंख दो कान है। हाँ तो इसमें क्या ना इंसाफी। गाय देखिए, दूध देखिए, गोबर देखिए, प्रकृति में इतना योगदान करती है, आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए। ना इंसाफी है कि नहीं समाज प्रगति, सब पटक दूंगा सबसे बड़ा योगदान क्यों लेकिन सुन अभी पुलिस में रहता हूँ रुक तो मेरे नंबर ये तो लाइन लाइन से कटे दो, मेरे नंबर नहीं आई है। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। अच्छा लिखिए। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोल रहे हो क्या। नंबर लिखिए 98। हाँ 98। 39। 98। 39। छुआ के 48। अबे समाज का योगदान याद रखना। अबे ओ योगदान की बोलो चाहे भले बोलो भाई, हमें क्या फोन लगाया। पार्टी प्रेसिडेंट साहब जी बोलिए, जवाब दीजिए आप, टिकट का क्या है। आप हमारा ऑप्शन नहीं, मैं फोन काटूं या मुझसे बात करनी है। सुनिए मैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पास आया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे टिकट चाहिए, टिकट नहीं दे मुझे क्यों। मैं हमारे पास और ऑप्शन है, चाहे का टिकट भाई, इलेक्शन लड़ने का टिकट भाई। सही कर रहा है, हंस रहा है, हंसिए नहीं, उम्मीदवार को अंडर एस्टिमेट कर दिया। आपका क्वालिटी थी, आपका नाम क्या बोलेंगे, बउआ को वोट दो, बउआ को आपने हंसी है। आप ईमानदार हैं ये कैसे प्रूव करेंगे, आपको ईमानदारी की बात कर दी है, प्रूव कर दी है। मैंने अपने बाप को अंदर कटाया जेल में। क्या बात कर, अपने बाप को अंदर किया कैसे। मेरे पापा ने मेरे को 10 रुपए दिए, बोला जा बेटा खैनी लेके। अच्छा मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, खैनी खाने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा कहते हैं 2 रुपए दूंगा टॉफी के लिए। अच्छा यानी मुझे रिश्वत दे रहे थे। अच्छा मैंने अपने मोलबाई से उनका वीडियो बना लिया। हाँ। पुलिस आई उनको पकड़ के लिए गई, मैं खैनी भी लिया, मैंने कहा ये लो खैनी खैनी, जेल में मत जाओ। टिकट दो। अरे तुम चल रहे प्रेसिडेंट साहब, इसको पहले झापड़ा तो मिला के टिकट मांग रहे, टिकट मांग रहे, ऐसे थोड़ी होगा। अब देखिए इन सबसे बड़ी जो चीज जी जा वो ये है कि क्या आप में बदनामी सहने की हिम्मत, बदनामी सहने की हिम्मत है मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बदनामी किसने सही है। अभी देखने ये फोकट आदमी जो फोन पे और गंदा बजा लो की ये बताइए, बदनामी नहीं सह रहा हूँ मैं। गुड जॉब बउआ, टिकट दीजिए आप मेरी बात। प्रेसिडेंट साहब नेता को भीड़ रोकना भी आना चाहिए, भीड़ रोकना। हाँ। ये फोकटी आदमी दुकान नहीं है। प्रेसिडेंट टिकट जाओ, टिकट है ना, टिकट बच्ची बना के प्रेसिडेंट। आप बताओ एक सेकंड, आप टिकट देंगे मैं इससे टिकट दिलवाओ। ऐसे नहीं होता ऐसे, कैसे भाई साहब। हेलो कौन कहा बोल रहे, हेलो आपने जिस नंबर को कॉल किया है अच्छा वो व्यस्त होने के कारण। और तुम कौन हो जो मुझे बता रही हो गया है। हेलो हेलो कौन थी वो लड़की, लड़की कौन थी वो। हेलो तू एक तो बिजी चले रहा है, ऊपर से एक लड़की को रखा है वो बोलने के लिए कि तू बिजी है। इतना बड़ा होगा भाई, इतना बड़ा होगा। कौन सी लड़की जो वो बोल रही थी दिस नंबर इज बिजी प्लीज 2 मिनट के बाद कर दो बड़ी आई। बेवकूफ गधाई है तू क्या। हेलो नहीं बउआ बोलिए, हेलो बात किससे करनी है। आपसे एक पूछना था मुझे। क्या पूछना था। कि देने वाला जब भी देता आगे का कंप्लीट कर दो। हाँ तो देता छप्पर फाड़ के देता। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां मत बजाओ, चुप जाओ। बहुत बड़ा बताया नहीं तूने, बहुत लोग जानते हैं। क्या कह रहा है
क्या बात करना चाहता है? नहीं नहीं सर जी, तो अगर वो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो छप्पड़ की रिपेयर करवाने के लिए पैसा कौन देगा? रब आप देगा। कोई काम नहीं तेरे पास? वही कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। क्या कर रहे भाई? सुनिए तो अब ये, अच्छा छोड़ वो जवाब मत दे, ये बता कि दे तो दिया उसने, अब अगर उसको लेना है तो कर लेते टाइम भी कुछ? तेरी नहीं, मुझे पता था तू नहीं। हेलो, कुछ थोड़ा क्रिएटिव बनो, कुछ अलग अलग चीज बोलो। गंदा, बहुत घिनौना आदमी है तू। तेरे से बात करने के बाद मैं मुंह धोने जाने वाला हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे कंकिल मिले हैं, आप भी इनको जानते हैं, पता है कौन नहीं है? अरे भाई मैं नहीं जानता कौन है बात। आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी हर जगह। अरे भाई मैं नहीं सुनी भाई। सुनो मैं कुछ बताता हूँ। मैंने ये वही अंकिल है जो अनाउंसमेंट करते हैं, मन मसाला खाने सच के लिए खड़े है, किस किसी बोलते हैं? सुन लिया मैंने, तू बता तू किससे बात करने? एक मिनट जो की आप यहाँ पे सीरियस है बताना भाई, आपका नाम क्या है? बउआ भाई मेरे को लाजपुर के जाना है, यहाँ से मिलेगा हेलो जी, बउआ बोल रहे हो? बउआ क्या हाल है? हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो? अरे मैं बोले ध्रुवल ले ले। हाँ बोल रहे ध्रुवल ले। अरे मदद चाहिए थी भाई। क्या चीज का? अरे आजकल दिन बड़ा खराब चल रहा है मेरा। खराब चल रहा है? हाँ खराब भी रहने दे फिर। अरे नहीं नहीं, सुबह कुछ अच्छा देखना चाहता हूँ जिससे पूरे दिन अच्छा जाए। हेलो, तेरा नाम क्या? मेरा नाम बउआ। पागल खाना है? हाँ जी पागल खाना। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो समोसा खाना है। हेलो हेलो, कौन भाई? अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे मदद चाहिए थी। मदद चाहिए थी? हाँ जी। अरे यार किससे बात करेगा तू, ये बता पहले। अरे आजकल मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है। टाइम खराब चल रहा है? हाँ जी। अरे तो मैं क्या करूँ तेरा? अरे नहीं नहीं, मदद कर दो, सुनो तो। मदद क्या करूँ, मारू तेरी आगे? अरे अच्छी चीज, ये तो गंदी। अरे नहीं नहीं, मैं दद्दू बोलते हैं, सुबह उठ के अगर अच्छी चीज देखो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तेरे दद्दू बोलते हैं तो तेरे दद्दू की मारू के। अरे चीज दद्दू को बीच में नहीं लाओ, ये बात बउआ की है तुम्हारी, ये ठीक है? मैं सुबह ऐसी कौन सी चीज देखूं कि मेरा दिन पूरा अच्छा हो जाए? आगे मेरा देख ले। अरे चीज तेरा दिन पूरा अच्छा जाएगा। अरे नहीं नहीं, देखो अच्छी बात करो। अरे भाई दिमाग ना खराब कर, भागे आगे। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताया कीजिए आपको कौन सा लाफ्टर मोमेंट ज्यादा अच्छा लगा या कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, ताकि हम उस चीज को हाईलाइट कर सके। और आप ऐसे ही प्यार देते रहें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए बउआ की कॉमेडी कॉल।